उत्तराखंड में मॉनसून कोहराम मचा रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में भीषण बारिश हो रही है। इसी बीच रुड़की में बड़ा हादसा हो गया। यहां बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई। उत्तराखंड के रुड़की में बड़ा हादसा हो गया। यहां बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। घटना भारापुर गांव की है। मकान के मलबे में 11 लोग फंस गए थे। मकान गिरते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में 9 लोग घायल हो गए, जबकि 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी और SSP ने मृतकों और घायलों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। आज शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बहादुराबाद थाना क्षेत्र में एक गांव है भौरी डेरा, वहां पर अत्यधिक बारिश के कारण, अतिवृष्टि के कारण जो मकान है जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसकी छत पूरी नीचे गिर गई थी। उस मकान में कुल 11 लोग उस समय थे, जिसमें राहत बचाव कार्य उसके तत्काल बाद शुरू किया गया, जिसमें जब तक इनको बाहर निकाला जाता सभी को हॉस्पिटल में भेजा गया था। इस बीच 2 लोगों की मृत्यु उसमें हो चुकी थी। ये देखने वहाँ से एक मकान की छत गिरने की वजह से लगभग 11 लोग उसमें दब गए थे, जिसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई है। उसमें एक आस मोहम्मद पुत्र मुजम्मिल है, जिसकी आयु 10 वर्ष है, और नजमा पुत्र इल्ताफ, उसकी आयु 8 वर्ष है। उनकी दोनों की डेथ हो गई मौके पर। और मेहरुन्निसा है, वो 60 वर्ष की है, तो उसको अभी जया मैक्सवेल हॉस्पिटल में एडमिट किया है, अभी वो ICU में है। और साथ में 2 लड़कियां भी वहाँ पे एडमिट है, वो खतरे से बाहर है। तो मैं स्वयं और SSP साहब, हम लोग वहाँ पे गए, विजिट करके आए हैं और घायलों से मिल के आए हैं, जो वो खतरे से बाहर है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।